बिना किसी भूमिका के सीधे मैं बात करूंगा। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। टिकैत साहब जी, कल की जो तस्वीरें आई हैं, हाँ आई है, तस्वीर आई है, उसकी बहुत आलोचना हो रही है। हाँ, तो ये तो सरकार का काम है, दिल्ली में किसानों को घुसा के और वहाँ तक रास्ता दे के और 9 बजे लाल किले पे बीजेपी कार्यकर्ताओं को भेज के और वहाँ से फिर फुटेज पूरी दुनिया में भेज के। ऐसा नहीं लगा, ऐसा ही है। कल ऐसा लगा। हाँ, कैसा लगा बता? कल ऐसा लगा कि आंदोलन से किसान नेताओं की पकड़ ढीली हो गई है। ना ना, जब रास्ते पुलिस देगी दिल्ली जाने के लिए और जो ओरिजिनल रास्ते थे उसको ब्लॉक करोगे, मतलब वो तो मोर्चा नहीं टूटा। जो कहले नहीं, ये तो 12 बजे से पहले हटना ही नहीं। टिकैत साहब, शाम तक भी नहीं हटा। टिकैत साहब, जब ट्रैक्टर परेड चली वहां पर परेड की अगुवाई नेताओं को करनी थी, नेता नदारद थे। नहीं नहीं, हमने जो ओरिजिनल रूट था उसकी वो करी। मैंने अपनी आंखों से ये भी देखा कि एक नेताजी अपने लोगों को रोक रहे थे कि उधर नहीं जाना है और उनकी बात लोगों ने नहीं मानी। मैं नाम नहीं रखना चाहता। वो अलग विचारधारा के लोग थे वहां पे, जिन्होंने बैरिकेटिंग तोड़े, गलत रास्ते से गए और उसमें पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन की बड़ी वो थी कि उन्होंने रास्ते नहीं हमको दिए। और गलत रास्ता लाल किले पे चला गया, गलत ऊपर गलत रास्ते खोल कर रखे ना, हल्की बैरिकेटिंग के जाओ ऐसे हाथ ऐसे 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 रहा ऐसे। वो गलत रास्ता लाल किले पे जाता, गलत रास्ता ये रहा, ये ऐसे रोकने को रहा, ऐसे ऐसे रहा। अच्छा, हाँ। और जब गलत रास्ते से जब गए तो लाल किले पे झंडा फहराने की भी जरूरत पड़ गई। झंडा तो भाई बीजेपी के लोग थे, ये कौन फहरा रहा, कौन फहरा रहा झंडा? वो तो बीजेपी के लोग थे तो पकड़े गए, बड़ी साजिश थी। कल तो पूरा देश इसको देखता, ये तो किसानों ने और जो वहाँ के अपने पुलिस के लोग थे उनने बड़ी संयम से काम लिया, क्योंकि जो पुलिस के लोग भी हैं वे भी उसी विचारधारा से हैं, किसान की विचारधारा से हैं, वे उन्हीं क्षेत्र के लोग हैं। इतना संयम से काम लिया, आप भी बात कह रहे हैं। हाँ। लेकिन एक तस्वीर ये भी आई है कि लाल किले में मैं किसी भी पक्ष का ने जो हिंसा किया है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, पुलिस ने ही बल प्रयोग किया है। लेकिन एक तस्वीर ये भी आई है कि पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए लाल किले में 20 फीट खाई में कूदना पड़ा। उनके खिलाफ कार्रवाई करो जिन्होंने ये काम करा है। कौन किया, किसने किया ये? हम वो तो फुटेज आ रही होगी, कार्रवाई करो उनके खिलाफ, कार्रवाई करो ना, हम उनका समर्थन करें तो गलत चीज है। जिसने लाल किले के ऊपर झंडा फहराने की कोशिश करी उसके खिलाफ कार्रवाई करो, वो बताएगा कि मेरे गैंग में कौन कौन शामिल थे। अब राकेश जी, आपसे सीधा सवाल कि ये जो पूरा हुल्लड़ हुआ, हुल्लड़ नहीं हुआ, परेड हुई, हुल्लड़ कैसे गए हो गए आप? ऐसे नहीं कह सकते आप। यहाँ से निकला तो परेड था, परेड यहाँ से निकला परेड था, लेकिन आगे भी जाके जो हुआ उसे परेड ही कहेंगे आप? नहीं नहीं, वो जो लोग अंदर भटक कर लाल किले की तरफ गए वहाँ पे आंसू गैस के गोले चले और रास्ता सीधा ये बस अड्डे की तरफ गया और वहाँ से वो फिर वजीराबाद से अपने अपने गांव की तरफ गया। तो आप इस बात को मानते हैं कि आपके आंदोलन में ऐसे भी लोग हैं जो आपके विचारधारा से, आप लोगों के विचारधारा से, किसानों से अलग हैं? हाँ, अलग हैं थे, वे कल आए थे इस तरह के लोग। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी उनको चिन्हित कर रहे हैं। आप तो ये कह रहे थे कि आपके पास वॉलंटियर्स की फौज होगी, आप एक एक आदमी को पहचानेंगे। पहचान लिए हमने, कौन कौन लोग थे पहचान लिए, जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है। आज भी अगर कोई भी लोग हैं उसको आंदोलन आज ही यहाँ से ये धरना स्थल छोड़ना पड़ेगा, और जिसने यहाँ पे हुड़दंग करा है, जिसने कोई भी काम करा है, जिसने ट्रैक्टर घुमाए हैं, हम उसका कोई समर्थन नहीं करते। जानते हैं क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में जो हुड़दंग हुआ वो गाजीपुर में बैठे हुए किसान थे और उन किसानों के नेता आप हैं, तो जिम्मेवारी आपकी बनती है। नहीं नहीं, अगर हम जिम्मेदार हैं तो उनको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है यहाँ की पूरी। अगर किसी ने कराया उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, वो यहाँ से जाएगा भी और उसके पुलिस थाने में भी कार्रवाई करवाएगा। सीधे सवाल है कि राकेश जी, आप भी रोक रहे थे कुछ लोगों को कि उधर नहीं जाना है और आपकी बात लोगों ने नहीं मानी थी। भाई जो उसने नहीं मानी ना उसी के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। आप तो उन्हें पहचानते हैं, कौन थे? देख रहे हैं, वो तो मिल जाएगा, फुटेज में मिल जाएगा। नहीं नहीं, वो फुटेज की जरूरत नहीं है। आपने कुछ लोग पहचाने? हमने कुछ लोग पहचाने। वो कौन है? अरे नाम नहीं पूछा करते हैं, उन्हें देखेंगे, उनके गाँव में बताएंगे उन्होंने। वो तो है पार्टी के लोग हैं, किसी के कोई हारी हुई पार्टी है, वो यहाँ पर खुंदा काट। आप इस बात को मानते हैं कि फूट हो गई है कहीं में? ना ना ना, फूट कहीं में हो जाएगी, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, गलत फहमी में कोई ना रहे। वे किसान जो अपनी विचारधारा से हैं वो ट्रैक्टर में डीजल अपना डलवा के आए थे, वो किसी सरकार जी। आप हमें बार बार देसी मुहावरा सुनाते हैं, मैंने भी सुना है कि पंचायत मानेंगे लेकिन खूंटा वही पर गाड़ेंगे। आप इस बात को मान रहे हैं कि कुछ लोगों ने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि फूट नहीं पड़ी है?
अच्छा जो रात को ही आओगा आंदोलन में यहाँ रहा नहीं डिस्टर्ब करेगा तो भगाए हमने अंदर, उन्होंने तो झगड़ा करा पुलिस के साथ में, फिर जाके उनका इलाज करा पुलिस ने। कुछ और पूछूं? जो पूछ रहे हैं पूछ लो, मैं कोई ये कह रहा कि क्वेश्चन लिखित में वही पूछो मेरे से, जो आपके दिमाग में सब पूछो, मैं उसी का तो जवाब दूंगा। तो आपकी जिम्मेवारी नहीं बन रही? कौन सी जिम्मेदारी बताओ? दो किसानों को मौत की? नहीं, मौत की जिम्मेदारी जिसकी भी वो हुई है वो पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन सब जिम्मेदार उसमें है। और नेताओं की भी तो बनती है? हाँ, नेताओं की भी बनती है। नेताओं के नेतृत्व की विफलता थी कि दो किसान मारे गए, पुलिस प्रशासन की भी गलती होगी मैं मानता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी। सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बीच से कोई लोग इस तरह से एक्सीडेंट में या पुलिस की फायरिंग में उसकी पूरी जांच होगी कि मारे जाए। और मैं ये कहता हूँ कि किसानों ने और पुलिस के जो खास करके नीचे का जो जवान था उसने बहुत संयम से सहयोग से काम करा। ये बार बार हम सुनते आ रहे थे कि किसान और जवान एक ही हैं, अलग अलग बटे नहीं हैं, लेकिन जो कल की तस्वीरें थी कि किसानों ने पुलिस को पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, और जहां मौका मिला पुलिस ने भी लाठीचार्ज करने में कोई मौका नहीं छोड़ा। ये बात और है कि जितना बड़े लेवल का हुड़दंग हुआ उसके हिसाब से स्थिति उतनी बुरी नहीं हुई, लेकिन किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी राकेश जी। सरकार मतलब जोन सा रास्ता चिन्हित करा उस पर आप बैरिकेटिंग करोगे और दिल्ली जाने के लिए रास्ता किसानों के लिए आप खोल लोगे और लाल किले तक रास्ता आप क्लियर जाएंगे, कल हिम्मत थी किसी के लाल किले पर चला जाए? ये एक बड़ी साजिश थी पूरे पंजाब को, पूरे सिख कौम को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है कि जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने एक धार्मिक झंडे का इस्तेमाल वहाँ पर करा गया उसके खिलाफ कार्रवाई हो और पूरी सिख कौम बची है कल, उस पर एक इस तरह का धब्बा लगना था कि उसको इतिहास में माफ नहीं करा जाना था। लेकिन वो तो सुखा होगा कि प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा के उनको शर्म नहीं लगी कि आप किसी धर्म का झंडा आप वहाँ पर फहराओगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यही पूरे पंजाब का पूरा सिखियों का यही एक वो है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। नेता कभी भी अपनी जिम्मेवारी नहीं लेते, राकेश जी ने जो बातें कही आपने सुन ली, नतीजे पर पहुंचना आपका काम है। आप सोचिए कि राकेश टिकैत की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। कैमरामैन उमेश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज 24, गाजीपुर बॉर्डर।